वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरी वन। आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज मैंने अपने लंच के लिए बनाया है चीज़ी ब्राउन्ड वेजिटेबल सैंडविच। आप देख रहे होंगे कि मैंने प्रिपरेशन कर ली है। अब ये देखिए, ब्रेड है, कुकुम्बर है, टोमेटो है, कैप्सिकम भी मैंने ऐड कर दिया है। और आप देखिए, मैं एक ट्विस्ट ऐड करने जा रही हूँ। और ये मैंने ली है चीज़, और मैं चीज़ को बाहर का जो रैपर है इसको पील ऑफ कर लूँगी एंड उसके बाद मैं प्लेट कर दूँगी इस सैंडविच के ऊपर। अब क्या करूँगी, मैं जो ब्रेड मैंने लिया हुआ है, जो दूसरा ब्रेड है जो कवर अप करेगा, उसमें मैं ऐड करूँगी शेजवान चटनी। और मैं बहुत आप अपने टेस्ट के अनुसार ऐड कर सकते हैं। मैं मतलब थोड़ा कम खाना पसंद करती हूँ, इसलिए मैंने थोड़ी बहुत ऐड कर ली है अपने अकॉर्डिंगली। और मुझे अभी भी ये लग रहा है कि ज़्यादा है, बट स्टिल इट इज़ ओके। और इस तरीके से मैंने ब्रेड को प्रेस कर लिया है और अब मैं डाल दूँगी इसे टोस्टर में। बहुत ही सिंपल है। अगर आप डाइट पे हो या फिर आप वेट लूज़ कर रहे हो तो आप लंच में इस तरीके की चीज़ें खा सकते हैं। और ये बहुत ही हेल्दी होती हैं, बिकॉज अगर आपने देखा हो तो टोमेटो, कुकुम्बर एंड कैप्सिकम बिल्कुल ज़ीरो कैलोरी होती हैं। तो बस ब्रेड और चीज़ का है। और आप देख रहे होंगे कि हम वेट करेंगे। देखिए, रेड लाइट ऑफ हो चुकी है, यानी कि हमारा सैंडविच बन चुका है और ये हमारा सैंडविच प्रिपेयर हो गया है। इसमें कितनी कैलोरीज होती हैं, आप मेरे जब स्टेटस इसमें चेक करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि कितने कैलोरीज का ये सैंडविच है। और इसको ज़रा आराम से निकालिएगा क्योंकि ये बहुत गर्म होता है। और इसमें कभी भी स्टील का मत यूज़ करिएगा निकालने के लिए, हमेशा वुडन का ही यूज़ करिएगा। अब देखिए ये किस तरीके से बन गया। सिंपल रेसिपी है गाइस, नथिंग टू ऐड। और आपको जो ऐड करना है वो आप ऐड कर सकते हो। और ये बन चुका है हमारा सैंडविच, चीज़ी चीज़ ब्राउन वेजिटेबल सैंडविच। मैं खा के देखूँगी। ऑलरेडी मैं एक बार टेस्ट कर चुकी हूँ, बिकॉज़ मैं डाइट में यूजुअली यही सारी चीज़ें खाती हूँ। तो गो फॉर इट, टेक।